नमस्कार, मैं नेहा दुबे। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। भिंड जिला कलेक्टर की ड्रग्स मेडिकल दवा की दुकानों पर हुई वैध पंजीयन के लिए जांच पड़ताल अभियान शुरू। जी हां, जानकारी अनुसार जिला कलेक्टर बीरेंद्र सिंह रावत के निर्देश अनुसार तहसील कुर्मी में जिला अस्पताल की ड्रग्स टीम के द्वारा भ्रमण कर मेडिकल स्टोरों पर जांच पड़ताल की गई, जिसमें कुर्मी स्थित न्यू भारत हॉस्पिटल के बाहर बना किरण मेडिकल स्टोर, जिस पर ड्रग्स इंस्पेक्टर डॉक्टर आकांक्षा गरुड़ के द्वारा जिले भर में एक के बाद एक काफी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिसमें इस कार्रवाई में तहसील के वरिष्ठ अधिकारी, थाना प्रभारी शामिल रहे। तहसील गोहद व गुर्मी कार्रवाई में शामिल है। ड्रग ऑफिसर ने मेडिकल स्टोर पर रजिस्ट्रेशन, मेडिकल से जुड़े दस्तावेज चेक किए गए। इसके बाद कुछ दवाइयों के सैंपल भी लिए गए, जिसमें टैबलेट, सिरप, कोंडिस्टाइ की दवाइयां भी शामिल हैं, जो सैंपलिंग की जांच के लिए लैब में भेजी जाएंगी। ड्रग इंस्पेक्टर आकांक्षा गरुड़ के साथ तहसील गुर्मी में तहसीलदार शिवदत्त काटरे, थाना प्रभारी मनोज राजपूत, स्वास्थ्य विभाग की अधिकारी, ड्रग्स मेडिकल की टीम मौजूद रही। इमरान अली खान, ब्यूरो। कार्रवाई की गई है यहाँ इस मेडिकल में? देखिए, दो दिन पहले कलेक्टर साहब के आदेश के तहत अपने समस्त जिले में सभी पदाधिकारियों को एक टीम दल गठित किया गया है, जिसके साथ औचक निरीक्षण के लिए कहा गया है। और जो भी अपनी दवाइयाँ और संबंधी औषधि संबंधी अगर कोई विसंगति पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए आज मैं गोरबी के भ्रमण पर हूँ। और मेरे साथ में यहाँ पे तहसीलदार साहब भी थे और TI साहब भी मौजूद थे। और गोरबी में अभी एक जगह हम कार्रवाई करते हुए आ रहे हैं, एक शॉप पे, और ये दूसरी है यहाँ पे, ये भरत हॉस्पिटल के पास में किरण मेडिकल स्टोर नाम से अपना मेडिकल स्टोर है। यहाँ पे कार्रवाई के दौरान ये पाया गया कि जो आपका प्रोप्राइटर है वो उपस्थित नहीं थे। वो अभी दवा वगैरह वापस करने के लिए, उनको जैसी जानकारी मिली है कि वापस करने के लिए वो ग्वालियर गए। अब उनके एब्सेंस में यहाँ पे कुछ जो हम डॉक्यूमेंट्स भी देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स और इनकम्प्लीट हैं, और उसके लिए भी हमने इसमें लिख दिया है अपनी निरीक्षण के उसमें कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो सेल परचेज के हैं वो अवेलेबल नहीं है। साथ ही दवाइयों की मैं वो भी कर रही हूँ, सैम्पलिंग भी कर रही हूँ, जिससे कि अगर कोई औषधि में कोई दवाइयों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इशू आता है तो इन्हें भोपाल भेजा जा रहा है ड्रग टेस्टिंग लैब में, जहाँ पे वो टेस्ट होके अपने को जानकारी मिलती है। आपने जो दूसरी जगह रेड किया है मैडम, उसका नाम जान सकते हैं मेडिकल का क्या? हाँ, एक मिनट बता। कल भी एक्चुअली कार्रवाइयाँ हुई हैं गोहद में। आपको पहले गोहद के नाम बता दूं क्या? गोरमी में आपने दूसरी कार्रवाई की। मैं अभी भव्य नरवरिया मेडिकल स्टोर पर भी कार्रवाई हुई है, वहाँ पे बाकी सब चीज़ थी, लाइसेंस तो इनके पास भी है, लाइसेंस वहाँ पे भी था, वहाँ पे बाकी चीज़ें तो जो फार्मासिस्ट वगैरह प्रोफ्राइटर दोनों ही मौजूद थे, उपस्थित थे निरीक्षण के दौरान। कुछ जो भी कमियाँ पाई गई हैं उनके लिए उनको समय सीमा दी गई है दो दिन का, यदि वह अपने संबंधित दस्तावेज या उसका जवाब नहीं प्रस्तुत करते हैं तो उनके विरुद्ध शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा। क्या गोरमी में किसी भी मेडिकल पर आपको कोई नशीले पदार्थ मिले हैं क्या, जैसे कोई ऐसी दवाइयाँ आती हैं जिनमें नशा रहता है? अभी नशीले पदार्थ एक्चुअली अगर आप बोलेंगे तो उसमें जो अपना एल्ट्रैक्स, कोडीन वगैरह ये सब चीज़ें रहती हैं, तो कोडीन अभी इनके हाथ से मिली है जिसकी मैं सैंपलिंग कर रही हूँ, और लेकिन उसको रखना कोई ऐसा मनाही नहीं है, बशर्ते इसका सेल परचेज का रिकॉर्ड व्यापारी के पास। लंबे समय से एक्सपायर डेट की कोई दवाइयाँ? एक्सपायर डेट की तो इस समय वर्तमान में दुकान में नहीं पाई। थैंक यू।